15 करोड़ रुपए तो ये घर के बर्तन बेच दे, चप्पले बेच दे, झाड़ू तक बेच दे, सोफा बेच दे, अपनी गाड़ी बेच दे, यहां तक के ये अपना अंडरवियर भी बेच दे, जब भी इस अंडरवियर बेच के खाली पत्ते लगा ले, अपने प्लेटफॉर्म पे पीछे भी पत्ते लगा ले और अपने अगले प्लेटफॉर्म पे भी पत्ते लगा ले, तो और शरीर पे बनियान भी ना रहे और इसके चप्पल जुराब कुछ भी ना इसके पास रहे, बिल्कुल नंगा हो जाए, तब भी ये 15 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं कर सकता। इस बात का सबको पता है, मुझे भी पता है, जो उनकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है ना, तो मुझे किसी ने बताया था कि एक वहां पर स्ट्रेट डॉग गली का स्ट्रेट डॉग है, जो गली के आवारा कुत्ते होते हैं ना, उसकी आदत खराब हो गई, वो आता है और जो इनकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है वो डेली का काम है उसके, उसका जो अगला बम्फर है ना गाड़ी का, वहां पे डेली उसके ऊपर टांग उठा के सुसु करके जाता है, कभी वो टायर पे कर देता है, कभी गाड़ी पे कर देता है। अब बताओ उस कुत्ते को क्या दुश्मनी है इससे, वो भी डेली का डेली आता है वो, और कोई बता रहा था मुझे वहां, और वो आता है टांग उठा करके उसकी गाड़ी पे, कभी टायर पे पिशाब कर देता है, सुसु कर देता है, कभी उसके बोनट पे सुसु कर देता है, उसको क्या दुश्मनी है बताओ। जो जानवर है वो भी समझ रहे हैं कि कौन इंसान क्या है क्या नहीं है, बताओ इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। कानूनी कार्रवाई को भुगतना बहुत ही बड़ा काम है, तो जो ये एपी सिंह ने काम करा पर्सनल अटैक करें तो अभी इसको समझ नहीं आएगा, लेकिन आने वाले वक्त में इसके साथ ऐसा होगा कि इसको घर के बर्तन बेचने पड़ जाएंगे, इसके साथ ऐसा होने वाला है। ये वकील जो है इसका गुमराह, लोगों को गुमराह करना ही इसका मकसद है, गलत बयानी करना मकसद है। कोर्ट में आएगा तो इसको जो है ना, कोर्ट ने बुलाया तो है, वहां पूछेंगे ना इससे हर चीज, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई जो है ना समुन्द्र में कोई नाव चल रही थी और नाव चलते हुए दोनों की सीमाओं के बॉर्डर में पैदा हुई थी, ये ना ये पाकिस्तान में पैदा हुई ना ये भारत में पैदा हुई, तो ये क्या समुन्द्र में कोई नौका चल रही थी क्या जहां इसका जन्म हुआ था, समुन्द्र के बीच में जन्म हुआ था क्या इसका, ये कहाँ की है, ये भी तो तुम्हारे पाकिस्तान की है। ये हमारी भारत की सरकार को पता है कि ये कितने पानी में, इसको जानते हैं, और भारत की सरकार को, भारत की एजेंसी को हमारे बारे में पता है कि ये कौन सा इंसान है, किस तरह लोगों के साथ लड़ाई लड़ता है इंसाफ दिलाने के लिए, इसके कह देने से क्या होता है, और मैं इसको 2 साल की कैद ना कराऊं तो तब कह देना क्यों, तो 2 साल की कैद तो है, इसको 2 साल की कैद कराऊंगा कम से कम जो इसने कहा है, या तो ये माफी मांगेगा, जिस तरीके से निर्भया वाले मामले में इसने निर्भया की माँ से वहां पर ऑफिस में गिड़गिड़ा के माफी मांगी थी और अपनी जान बचाई थी, ये या तो माफी मांगेगा लिखित में और वीडियो के द्वारा सबके सामने, या 2 साल की इसको कैद होगी, और इसको ये कहीं का भी वकील हो, कितना भी बड़ा वकील हो, ये जो है कानून से बच नहीं पाएगा, सबसे बड़ा कानून है, तो दुनिया को गुमराह करने है, वो फितरत में शामिल है, झूठ बोलना दुनिया को गुमराह करना वो फितरत में शामिल है, और अगर ये नहीं जाएगा तो एक्सपर्टी में करा दूंगा, मैं तो चाहता हूं ना आए, एक तरफा फैसला हो जाएगा, समझे मेरी बात जी। एक तरफा फैसला हो जाएगा, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को सच बात नहीं बता रहे, तो आने वाले टाइम में वो दुनिया के सामने सारी बात आ जाएंगी और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो उनकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है ना, तो मुझे किसी ने बताया था कि एक वहां पर स्ट्रेट डॉग है, स्ट्रेट डॉग गली का स्ट्रेट डॉग है, जो गली के आवारा कुत्ते होते हैं ना, उसकी आदत खराब हो गई, वो आता है और जो इनकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है वो डेली का काम है उसके, उसका जो अगला बम्फर है ना गाड़ी का, वहां पे डेली उसके ऊपर टांग उठा के सुसु करके जाता है, कभी वो टायर पे कर देता है, कभी गाड़ी पे कर देता है। अब बताओ उस कुत्ते को क्या दुश्मनी है इससे। मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं कभी भी दुश्मन को भी मैं जो है वो ना गालियां देता। आज तक मेरी जितनी वीडियो आपने देखी होगी, मैं तो सीमा हैदर को सिर्फ नाम लेके सीमा हैदर बोलता हूँ, सचिन मीना को मैं सचिन मीना ही बोलता हूँ, लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मैं नाम लेके और ज्यादा एपी सिंह की को ज्यादा से ज्यादा मुंह बोला भैया, वो तो कोई गलत नहीं है, मैं कभी गलत बोलता ही नहीं, क्योंकि मेरे मेरे खून में गलत बोलना नहीं है भाई, मेरा जो खून है, जो मुझे संस्कार दिए हैं मेरे 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 फादर साहब ने, जो नहीं है आज इस दुनिया में, तो हमने उनके संस्कारों को अपने अंदर रखा है, हमारा काम नहीं है। हाँ, कोई कानून का खिलवाड़ करेगा तो उसको लीगल कार्रवाई करके जेल कराएंगे, लेकिन हम किसी के कैरेक्टर पे, किसी के प्रति अपशब्द और किसी के प्रति अपमानित शब्द कभी नहीं कहेंगे,
और ना कभी कहें ना कभी कहेंगे, अपने दुश्मन के लिए भी नहीं कहेंगे। हाँ अगर वो गलत करेगा तो कानूनी कार्रवाई करना हमारा राइट है, हमारा अधिकार है। या हम सीमा से डरते हैं, या हम सचिन से डरते हैं, या किससे डरते हैं, या हम इसके किससे डरते हैं? अगर गुलाम हैदर को इतनी सी खरोस आ गई ना एपी सिंह की वजह से, तो एपी सिंह की ईट से ईट बढ़ा दूंगा मैं बैठा हुआ हूं यहां पर। ये कोर्ट का गेस्ट है, जब कोई गवाह आता है, कोई गवाह को कोर्ट बुलाती है, तो वो व्यक्ति कोर्ट का गेस्ट होता है, उसकी जिम्मेदारी सुरक्षा की हर चीज की ऑनरेबल कोर्ट की जिम्मेदारी होती है, और मैं उसका लायर हूं और पावर अटॉर्नी होल्डर हूं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, और भारत की सरकार हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है जी। ऐसे तो खुलेआम लेके आएंगे, क्यों छुपाएंगे किसी से? हमने कोई चोरी करी है क्या? सरेआम आएगा और भारत में आएगा, और सबसे पहले जो इंटरव्यू होंगे गुलाम हैदर के, वो जो भारत के यूट्यूबर्स उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, उन लोगों के इंटरव्यू सबसे पहले होंगे, यूट्यूबर्स के जो भारत के यूट्यूबर हैं, चैनलों जो भारत के चैनल हैं उनका किसी का इंटरव्यू नहीं होगा, पहले यूट्यूबर्स के इंटरव्यू होंगे जो उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिन्होंने उसकी आवाज को उठाया है, जिन्होंने उसके प्रति इंसानियत के लिए आवाज उठाई है, उन लोगों से उनकी मुलाकात होगी, उसके बाद चैनलों के इंटरव्यू होंगे। और दो तीन चैनल तो ऐसे हैं जो सीमा भक्ति में डूबे हुए हैं, उनका तो कहीं से कहीं नंबर नहीं आएगा। गुलाम हैदर की परछाई भी उन चैनलों पर नहीं पड़ने दूंगा, इस बात का ध्यान कर लेना। वो जी बिल्कुल करेंगे, कुसामदे करेंगे, मिन्नते करेंगे, हमें इंटरव्यू करवा दो, तो हम उनका चलावा पिछला सारा बायोडाटा दिखाएंगे कि ये देखो तुम सीमा भक्ति में लीन थे, सीमा के इंटरव्यू लो, गुलाम हैदर का इंटरव्यू नहीं मिलेगा आपको। आप अपने पाकिस्तान सरकार के आंकड़े लेके आओ, बहुत सारी पाकिस्तानी लड़कियां यहाँ भारत में शादीशुदा है, क्योंकि एक दूसरे की रिश्तेदारी है। सन 47 में कुछ परिवार वहां चले गए, कुछ यहां रह गए, तो बहुत सारी पाकिस्तानी लड़कियां भारत में शादीशुदा है, और बहुत सारी भारत की लड़कियां वो पाकिस्तान में शादीशुदा है। एक तो मेरे क्लाइंट की लड़की है जो फैसलाबाद में शादीशुदा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर वो आना चाहती हैं तो आ जाए, लेकिन ये खुद को तो बचा ले पहले, उनको कैसे बुलाएगी? वो आएंगी, अगर वो आना चाहती है उनका वेलकम, वो आएंगी वीजा लेके, इसकी तरह नहीं इलीगल टेस्ट पास होके चली जाएंगी। और जो भारत की वहां पर अपने जो मुस्लिम लोग हैं जिनकी रिश्तेदारियां वहां हैं, इनकी बेटियां भी वहां शादीशुदा हैं, वो वीजा लेके जाती हैं, वो कानून में है शादी करना। देखिए भारत के किसी व्यक्ति को पाकिस्तान में शादी करना कोई इलीगल नहीं है, कोई गैर कानून नहीं है, वो कर सकता है, उसका राइट है, ना केवल पाकिस्तान में, वो दुनिया के किसी भी देश में वो शादी कर सकता है, उसे राइट है। और पाकिस्तान का व्यक्ति कोई भारत में उसका कोई रिश्तेदार रहता है, कोई मोमडन परिवार का है, उनकी रिश्तेदारी में अगर बहुत सारी लड़कियां यहाँ वहां शादीशुदा है, मेरे क्लाइंट की लड़की भी है गाजियाबाद से, नोएडा से ही, वो नोएडा से गई हुई है, तो वो भी यहाँ कर सकते हैं शादी करना। सानिया मिर्जा थी, इसने भी वहां पर शादी की थी पाकिस्तान में, तो शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। देखो शादी जो होगी वो कानून